चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे अलग ना हो पाए तो जेल पर जम जाती है, जिससे चेहरे की जेल बेजान और बेरोनक होकर खराब हो जाती है और इससे हमारी रंगत भी खराब हो जाती है। इन वजूहात से जेल की नमी और चिकनाई भी बरकरार रहना मुश्किल हो जाता है। इन मसाइल की वजह से जेल पर कील मुहासे, दाग धब्बे और मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स हमारी स्किन पर आने लग जाती हैं और ये खवातीन के लिए सबसे बड़ा और अहम मसला बन जाती है। खवातीन जमाना कदीम से अपनी जिल्द को निखारने के लिए उबटन का इस्तेमाल करती आ रही हैं। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ जिल्द के मुर्दा हुलिये साफ हो जाते हैं बल्कि जिल्द भी निकलने के बाद उसकी नमी बरकरार रहती है। और उबटन बनाने के लिए आपको कई तरीके इस्तेमाल किए होंगे जो कि बहुत ही फायदेमंद है। मुख्तलिफ तरीकों से उबटन बनाया जाता है। उबटन में केमिकल्स की आमेजिश नहीं होती और ये हर स्किन टाइप की खवातीन के लिए यकसा और मुफीद होती है। तो बाजारी उबटन इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप घर में अपनी घरेलू कुदरती चीजें यूज करके आप उबटन बनाएं, जिससे आपकी स्किन को कोई डैमेज ना हो, क्योंकि बाजारी उबटन में समटाइम उसमें केमिकल्स मिले होते हैं जो कि उस टाइम पे तो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे वो रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन बाद में हमारी स्किन को खराब करते हैं, डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो केमिकल से बचने के लिए आप घर में अपने घर की चीजें इस्तेमाल करके एक उबटन बनाएं। इस उबटन को बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान और सस्ती सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हल्दी आपको चाहिए 10 ग्राम, संदल पाउडर चाहिए आपको 10 ग्राम, आकाश बेल पाउडर, आकाश बेल एक जड़ी बूटी है, उसका पाउडर आपको चाहिए 10 ग्राम और बेसन आपको चाहिए होगा 30 ग्राम। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको चाहिए हुस्ने यूसुफ 10 ग्राम, गुले अनार का पाउडर, अनार के जो फूल होते हैं उनको गुले अनार कहते हैं, उसका पाउडर आपको चाहिए 10 ग्राम और रोगने हस 1 तोला चाहिए और इसके साथ आपको दूध चाहिए होगा हसबे जरूरत। दूध आप चाहे तो कच्चा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये सब चीजें आपको किसी भी पंसारी शॉप से मिल जाएंगी, किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी जहाँ से हम अपने घर का सौदा वगैरह लेते हैं और मोस्टली हमें ये पंसारी की शॉप से मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, बनाने का और इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने हुस्ने यूसुफ, सुंदर पाउडर, गुले अनार, आकाश बेल और हल्दी का पाउडर एक थैली में मिक्स कर लेना है और फिर इसमें रोगने हंस और दूध मिलाकर आपने एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को आपने 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाना है और फिर नॉर्मल पानी से आप इसको धो लें। एक दफा के इस्तेमाल से ही आपके चेहरे की जेल नरम, मुलायम और चमकदार हो जाएगी। और हफ्ते में 2 बार इस उबटन का इस्तेमाल करें, इससे आपके चेहरे में दिन ब दिन रौनक आएगी और आपका चेहरा निखरता जाएगा, आपका रंग साफ हो जाएगा। चेहरे में दिन में दो तीन दफा अर्के गुलाब से अपने चेहरे पर स्प्रे करते रहें, इससे भी आपकी जिल्द की ताजगी बरकरार रहती है। चेहरे को सूरज की छुआ से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें और घर से निकलते वक्त सन ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर करें। ताजा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करें। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अपनी डाइट को बैलेंस रखें, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, दूध का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, सैलेड्स इस्तेमाल करें, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है और इससे आपकी स्किन ग्लो करती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान और सस्ती सी टिप। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि इससे आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप नई से नई वीडियो मेरी देखते रहेंगे। और अप्रिशिएट करना मत भूलिए फ्रेंड्स, अपनी दुआ में याद रखें। मेरी वीडियोस को दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनको इस्तेमाल करके इनसे फायदा हासिल कर सकें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच